आज हम वैसे ही अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए ऐसी तीन चीजें बोलेंगे जिसके बाद हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। ऐसी तीन चीजें बताएगा जिसका हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। आज हम ये दोबारा करने जा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं मेरी शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। क्या करूंगा? अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और इसका उल्टी है कि अगर मेरी नाशुक्री करोगे अजाब शदीद होगा। ये कुरान पाक में आयत है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, हमें कह रहे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, इसके अंदर तो कुछ शक ही नहीं है। तो इसीलिए आज हम वैसे ही अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए ऐसी तीन चीजें बोलेंगे जिसके बाद से अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। लेट्स मूव टू मैं अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे जिस्म के पूरे औजार दिए, पूरे पार्ट्स दिए, जिसकी वजह से मैं देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, हाथ हिला सकती हूँ, मसल्स के लिए चला सकती हूँ, चल सकती हूँ, और बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ, सुन सकती हूँ। मैं अल्लाह ताला के इसके वजह से बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगी, ठीक है? और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी, बहन भाई दिए, मेरे माँ बाप दिए, अल्लाह ताला ने मुझे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि मैं आज के दिन आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, आप लोगों की प्यारी बातें सुनने को भी मिली और आप लोगों के रिव्यू सुनने को मिले, आपके साथ मिल के बैठ के कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं अल्लाह ताला के इस ख्याल से बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी। मैं तो तीन चीज़ें बताई अल्लाह की नियमत होते हम गिन भी नहीं सकते। अल्लाह ताला की तो बहुत सारी नियमतें हैं, बहुत सारी नियमतें नियमतों से नवाजा अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया। बादशाह हर चीज़ की समझ बूझ हर चीज़ अल्लाह ताला ने नवाजी। अच्छे वालिदैन, प्यार करने वाले फैमिली, अच्छा शौहर है ऐसे, आगे से बच्चे हैं ऐसे, माशाल्लाह बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बेटियां बेटे अल्लाह ताला ने सब कुछ दोनों चीज़ें दी, अल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तो बेशुमार नियमते हैं, लेकिन तीन बोले हैं जी। तो बेशक अल्लाह ताला ने जितनी हमें नेमतें दी हैं उसका तो हम गिन भी नहीं सकते, और ऑब्वियसली हमारे हर एक सेकंड के अंदर अल्लाह ताला हमें नेमतें दे रहा है। हमारा चलना, उठना, बैठना, सांस लेना और हर एक चीज़ करना बेशक अल्लाह ताला के करम से ही है। अच्छा एक चीज़ ना मैंने बहुत सुनी है, लोग कहते हैं कि जब बुज़ुर्गों की उम्र होती है ना कि अल्लाह अल्लाह करने वाली उम्र होती है। मैंने ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है जो कि हमारे ना मोशे के लिए गलत कॉन्सेप्ट दिया गया है। मैं ना ये समझती हूँ कि हमारा बचपन हो, जवानी हो या जो भी उम्र है ना, सारी अल्लाह अल्लाह करनी है। बेशक अल्लाह ने हमें पूरा लाइफ स्टाइल दिया है, इस्लाम पूरा लाइफ स्टाइल है, और कोई भी उम्र हो हमें अल्लाह की ज़रूरत है। बड़ी उम्र में जाके पता नहीं क्या कैसे पढ़ी जाए, नमाज कैसे ना किया जाए। बिल्कुल जवानी में जो होता है ना वो बुढ़ापे में भी जवानी चला तो ठीक दे। तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ सूरह रहमान हो, तस्मिया हो, या अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना हो, ये किसी सर्टन एज तक नहीं है कि सिर्फ यही इंसान कर सकते हैं। नो, बच्चे भी करें, जवान लोग भी करें, टीनेजर्स भी करें, क्योंकि हर एक इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कितना ज़रूरी है ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा ही चुका है कि शुक्रगुजारी कितनी ज़रूरी है, और कहने अल्लाह की तलावत कितनी ज़रूरी है, और इस्लाम ने जो हमें लाइफ स्टाइल दिया वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो